वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बीइंग डेलीआइट्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया जगह पे जा रहा हूँ, बट अभी नहीं बताऊँगा मैं कहाँ। बट हाँ, इतना बता सकता हूँ कि मेरे लिए पहली बार है एंड वो पोर्शन इंडिया का जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वही शायद मेरे लिए पहली बार होगा। तो एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पर हूँ दिल्ली के। चेक इन वगैरह हो गया मेरा, सिक्योरिटी वगैरह कर दी, बहुत स्मूथ प्रोसेस था। तो अभी बस यहाँ वेटिंग एरिया में है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वुमेंस डे का सजाया हुआ है यहाँ पर वेटिंग एरिया में। हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल, इट्स ऑन दी 8th मार्च। तो आइए चलते हैं अब। भाइयों ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ का जो फूड कोर्ट है अच्छा खासा है, डिसेंट है। यहाँ पर हमने एक सैंडविच लिया और एक कॉफ़ी लिया, प्लेट खाली हो चुकी है, थोड़ी सी पेट पूजा हो चुकी है। मेरा प्लेन, वेरी एक्साइटेड। अब प्लेन में बस एंट्री हो रही है, चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया, अब प्लेन। दार्जिलिंग जाने के लिए आपको बाय फ्लाइट लैंड करना है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में लैंड करना पड़ता है। यहाँ से दार्जिलिंग आई थिंक 2 आवर्स की ट्रिप होनी चाहिए बाय रोड। सो मैंने एक टूर ऑपरेटर बुक किया है, उसकी डिटेल्स भी मैं आगे शेयर करूँगा आपसे। तो उनके ड्राइवर मुझे यहाँ लेने आए हैं, वो मुझे सिलीगुड़ी लेके जाएंगे एंड देन फ्रॉम देयर सिलीगुड़ी से शेयर्ड कैब में वील गो टू दार्जिलिंग। ये बागडोगरा एयरपोर्ट छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बैगेज हमने क्लेम अपना ले लिया है, वॉशरूम्स आर नॉट दैट क्लीन, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। बाकी चलते हैं। मैंने बताया 30 to 45 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में, वहाँ से फिर
टूर ऑपरेटर भैया से बात करेंगे, उनसे मिल के फिर वील लीव फॉर दार्जिलिंग। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 10 o'clock, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू रीच दार्जिलिंग बाय 12 or 1 PM आई थिंक। तो बने रहिए हमारे साथ, बीच बीच में मैं आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखाता रहूँगा बागडोगरा के बाहर निकलते हुए।